यार ये वीडियो में थोड़ा सा सेंसिटिव कंटेंट है। अभी रिसेंटली मैं गया था वॉशिंगटन DC और वहाँ पे वर्जीनिया में एयर एंड स्पेस म्यूजियम है, स्टीवन एफ वुडवर्ड हेजी सेंटर, मैं वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे वो जहाज़ रखा हुआ है उन्होंने, जिस जहाज़ से उन्होंने हिरोशिमा के ऊपर हमला किया था, तो इन्होंने हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिराया था। B29 सुपर फोर्ट्रेस जहाज़ का नाम है। तो आगे वीडियो में वो जहाज़ दिखाने वाला हूँ। तो जिन लोगों को शायद हो सकता है बहुत सारे लोग सेंसिटिव हों, क्योंकि यार ये वो जहाज़ था कि जिसे वो बॉम्ब गिराया गया। आप इमेजिन करो कि कितने लाखों खरबों लोग इस जहाज़ के नीचे मरे हैं। तो आई विश कि ऐसा फ्यूचर में कभी दोबारा ना हो। आई विश के हालात कभी भी ऐसे ना हो दुनिया में कि उस तरह के वाक्य की नौबत आए, और आई विश के दुनिया में हमेशा अमन रहे। तो इस मैसेज के साथ अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो गो अहेड, अपना ख्याल रखना। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अभी आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये जो प्लेन है, जो ये मेरे सामने खड़ा है जनाब, ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन का अगर आप नाम देखो तो इसका नाम क्या है, इनोला गे। ये वो प्लेन था, एग्जैक्टली ये वो प्लेन था जिसने हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराया था, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक। सो ये इसकी सारी डिटेल लिखी है। दो प्लेन थे, ये वाला प्लेन ने फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। आपके B29 बॉम्बर है ये, एग्जैक्टली यही प्लेन था। अब ये रिटायर हो गया और ये इसमें है। इमेजिन करो कि कैसे ये जहाज़ के नीचे इतने लोग मरे होंगे जब ये जहाज़ गुजरा होगा। इसके ये देखो, इसके प्रोपेलर। ये दूसरा प्लेन जो है, जिस दूसरा जो बॉम्ब था वो गिरा था नागासाकी पे, वो था बॉक्स कार। वो प्लेन दूसरे म्यूजियम में है, डेटन ओहायो में। एनोला गे, ये इसका वो है कॉकपिट। और लेट्स सी, कैन वी गो इनसाइड? वी कैन नॉट गो इनसाइड। ये शीशा शायद लगाया कि लोग इसको टच ना करें, इतने हिस्से को। और ये जनाब इनोला गे है ये सारा, और ये वो जहाज़ था जिसने हिरोशिमा के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। कैसे हज़ारों लोग, लाखों लोग मरे इस जहाज़ के ज़रिए। बहुत ही अमेजिंग जगह है। दूर अगर आप देखो तो आपको ये कॉनकॉर्ड है एयर फ्रांस का। ये प्लेन भी रिटायर हो गया, ये सुपरसोनिक प्लेन था, ये तो बड़ा रिसेंटली रिटायर हुआ है। ये कॉनकॉर्ड है, अभी मैंने इसको भी देखा है, ये भी बहुत ग्रेट प्लेन है। अगेन ये एक और एंगल से, ये मैं दूसरी जगह पे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो अभी मैं एलिवेटर से आया था। तो ये एक और एंगल से यही प्लेन इनोला गे, जो कि इस एयर म्यूज़ियम में से सबसे जो है यूनिक चीज़ है। यहाँ पे और भी बड़े जहाज़ हैं लेकिन ये सब में एक काफ़ी यूनिक चीज़ है कि जिसने हिरोशिमा के ऊपर सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब गिराया था।